और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, जी 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है, लगातार बारिश की वजह से सड़कें डूब गई हैं, लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि देखिए कई इलाके जहां पर घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है, लोगों को वहां से आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं, जाम की स्थिति पैदा हो गई है। और अभी आने वाले दिनों में मौसम विभाग जो पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है, लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। उत्तर भारत के कई राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर दिल्ली एनसीआर की अगर देखी जाए तो कई इलाके जहां पर पानी भरा हुआ है और यहां से वाहनों को गुजरने में भी दिक्कत हो रही है। जो लोग सुबह ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ी परेशानी, क्योंकि जाम की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। तीन तस्वीरें आपके सामने दिल्ली एनसीआर की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप पहली तस्वीर में देखिए भारी बारिश, और अभी 10 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, यानी अभी एक दो दिन राहत नहीं मिलने वाली। इसके अलावा कई राज्य हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, क्योंकि पहाड़ों में भी लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। कई वो खबर भी, वो तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर सड़क पर बोल्डर गिर गया। फिर तीसरी तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर आप यहां पर देखिए कि अमरनाथ यात्री चूंकि बताया ये जा रहा है कि रामबन में फंस गए हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा और साथ साथ जो भारी बारिश हो रही है उसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जहां कई जगह पर श्रद्धालु फंस गए हैं। नदी नाले इस वक्त तूफान पर है, लेकिन आने वाले दिनों में अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि मौसम विभाग अभी पूर्वानुमान यही जाहिर कर रहा है कि अभी आने वाले दिनों में चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, हालात कुछ इसी तरह के बने रह सकते हैं, मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का बना रह सकता है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी जरूर बढ़ गई है लोगों की, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी जरूर हो गई है। आज भी आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है और कई इलाके जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरह का अभी मौसम का मिजाज रह सकता है। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ रामानुज जुड़ रहे हैं, रामानुज का सीधा रुख कर लेते हैं। रामानुज, अभी कैसा मौसम का मिजाज बना हुआ है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों को लेकर तो मौसम विभाग यही अलर्ट जारी कर रहा है कि इसी तरह के हालात रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या हाल है वहां पर? आकांक्षा, सबसे पहले आपको राजधानी देहरादून का अपडेट बताते हैं। पिछले तीन दिन से बारिश का सिलसिला चल रहा है, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी बारिश हो रही है, और एक तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों को पहाड़ से लेकर मैदान तक की कि किस तरह से अभी भी मानसून का मिजाज बना हुआ है। आप देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सामने बिल्कुल पहाड़ है और इसके नीचे नदी शुरू होती है। राजधानी देहरादून की ये तस्वीर है बिंदाल पुल के पास की, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बारिश सुबह भी हुई है, अभी भी हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है। और पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये जो इलाके हैं मैदान और पहाड़ के, वहां भी कई स्थानों पर भारी बारिश, कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, खासतौर से आपदा प्रबंधन टीम को यह बताया गया है कि जो नदी और नालों के आसपास की बस्तियां हैं वहां की बराबर मॉनिटरिंग की जाए। अगर जलस्तर नदियों का तेजी के साथ बढ़ता है, किसी तरह से स्थानीय लोगों को असुरक्षा महसूस होती है, तो उसके लिए कदम उठाए जाएं। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि इसी तरह से अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं जहां नदियां सूखी रहती थी, उसका जलस्तर, जल प्रवाह तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले अभी 2 से 4 दिन तक कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, कई स्थानों पर 2 से 3 गुना तेज बारिश हो सकती है, उसके मद्देनजर जो चार धाम यात्रा चल रही है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की, उन श्रद्धालुओं को भी हिदायत भी दी गई है, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर मौसम का अपडेट वो देखें और कहीं भी बारिश या भारी बारिश की चेतावनी उनको मिलती है तो सुरक्षित स्थानों पर रहे। तो उत्तराखंड में बारिश
सिर्फ इतना ही नहीं कि किसानों के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए और जो पर्यटक सैलानी श्रद्धालु आते हैं उनके सामने भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी करती है। मसलन जब लैंडस्लाइड होती है तो उसकी वजह से यातायात बाधित होता है और जिससे आवागमन बाधित होता है, तो स्थानीय लोगों को साथ में जो श्रद्धालु सैलानी पर्यटक आते हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार ने कुछ अभी आपके पास लौट रही हूँ। कुछ और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ सरयू तट से जुड़े हुए हैं। एक एक करके तीनों का रुख कर लेते हैं। प्रमोद के पास पहले आपको लिए चलते हैं, वहां पर अभी क्या हालात है ये जानने की कोशिश प्रमोद से कर लेते हैं। प्रमोद, दिल्ली की अभी अगर हम बात करें तो आज भी रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश हो रही है, अभी क्या हाल और आने वाले एक दो दिन को लेकर मौसम विभाग क्या पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली में अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। थोड़ी देर बारिश रुकती है और उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है तेज, कभी जो है रिमझिम बौछारें होती है। तो लगातार इसी मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे NCR में येलो अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली में इसी तरीके से लगातार बारिश हो सकती है। और कल के दिन में अगर हम बात करें तो 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया था, करीब 135 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई थी, जबकि जुलाई के महीने में जो औसतन बारिश है वो 195.8 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। और अभी अगले दो दिन तक इसी तरीके का बारिश जो है दिल्ली में हो सकती है। तो पूरी संभावना जो है ये मौसम विभाग जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो रिकॉर्ड है वो और भी टूट सकते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बारिश हो सकती है, दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, चंद घंटों की बारिश में दिल्ली की सड़कों को तालाब बना दिया जाता है। शनिवार को हमने देखा है कि कैसे ना सिर्फ जो दिल्ली के दूसरे इलाके हैं बल्कि लुटियंस दिल्ली में भी जो है सड़कें पूरी तरीके से लबालब पानी से भरी हुई थी। जो सांसदों के घर के अंदर जो बंगलों के अंदर है वहाँ तक पानी घुस गया था और बूस्टर लगा के जो है पानी को कम किया जा रहा है। और राहत की बात यह है कि शनिवार और रविवार, आज रविवार है, सुबह से बारिश हो रही है कि स्कूल और जो दफ्तर है वो बंद होते हैं, इसीलिए ट्रैफिक जाम की समस्या कम ही देखने को मिली थी। लेकिन अगर इसी तरीके की बारिश सोमवार को भी होती है तो दिल्ली वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।